दोस्तों, हम एक्सेलरेशन के बारे में लगातार 9th या 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज भी कुछ मिसकंसेप्शंस उस एक्सेलरेशन से रिलेटेड बने हुए हैं। तो आज हम ऐसे ही मिसकंसेप्शंस की बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखिल और आप देख रहे हैं Epoxy Tech, सो लेट्स बिगिन। उससे पहले मैं आपको स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बताना चाहता हूं। अब स्पीड को आप फिजिकल टर्म्स में आप आराम से समझ सकते हैं कि स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर ऐसे हो सकती है। अब वेलोसिटी को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? अब वेलोसिटी, यदि हम स्पीड को एक डायरेक्शन दे दें, मान लें कि कार है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर जा रही है, तो मतलब उसकी वेलोसिटी होगी वो नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर जा रही है, तो 60 किलोमीटर पर आवर एक वेलोसिटी होगी उस कार की। अब जो हमेशा जो वेलोसिटी होती है उसकी हमेशा एक डायरेक्शन होती है। दोस्तों मान लो कि कोई वेलोसिटी है, अपन एक सिंपल सा कंसेप्शन लेते हैं, एक लाइफ से कंसेप्शन लेते हैं कि मान लो अपना कि ये सीधा हाथ बोलते हैं, तो सीधा हाथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि नॉर्मली हम इससे यूज लेते हैं। अब जो इससे यूज लेते हैं हम उसको बोलते हैं भाई उल्टा हाथ है। तो इसी तरीके से वेलोसिटी को हम एक डायरेक्शन मान लेते हैं कि यदि मान लो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो हम इसको नेगेटिव ही डायरेक्शन मानेंगे। आप चाहो तो इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव बोल सकते हो, आप चाहो तो इसको सीधा हाथ बोल सकते हो और इसको उल्टा हाथ बोल सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या बोलना चाहते हो। तो वेलोसिटी एक तरीके से स्पीड है जिसकी एक कोई डायरेक्शन है। दोस्तों बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, मतलब मान लीजिए आपकी इनिशियल स्टेज पर t इक्वल टू 0 पर आपकी स्पीड 0 किलोमीटर पर आवर थी और आप कुछ देर बाद में करीबन 5 मिनट बाद के अंदर आपकी स्पीड अटेन हो जाती है 40 किलोमीटर पर आवर। अब जो फाइनल स्पीड हुई आपकी, यानी आपकी जो इनिशियल स्पीड थी 0 थी और वहां पर गई तो 40 किलोमीटर पर आवर होगी, यानी 5 मिनट बाद में। अब एक्सेलरेशन ये होता है कि जो फाइनल स्पीड होती है माइनस इनिशियल स्पीड होती है अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम मतलब पहले 0 सेकंड में था, मतलब इनिशियल स्टेज में 0 पर था, जब चला नहीं था और जब वहां तक गया तब आपके 5 मिनट हो गए थे, तो 5 माइनस 0 हो जाएगा, मतलब vf माइनस vi, यानी v फाइनल माइनस vi v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल, यानी जो आपकी फाइनल वेलोसिटी थी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो इस तरीके से एक्सेलरेशन निकाला जाता है। अब दोस्तों बात करें हम एक्सेलरेशन से रिलेटेड मिसकंसेप्शन की, तो एक जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन आता है कि मान लो कि कोई t 3 सेकंड पर उसकी स्पीड थी किसी गाड़ी की 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, आफ्टर आपने उसको कोई 10 या 15 सेकंड बाद में भी देखा उस गाड़ी को और तब भी उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर थी, तो अंतर क्या है? जब पहले भी 30 किलोमीटर पर आवर थी बाद में भी 30 किलोमीटर पर आवर थी, तो दोस्तों क्या एक्सेलरेशन यहां पर क्या एक्सेलरेशन होगा? तो बात को मैंने आपको जैसे समझाया कि एक्सेलरेशन v फाइनल माइनस v इनिशियल होता है, यानी फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल। अब मान लो 3 सेकंड के ऊपर जब 30 थी और जब थोड़ी देर बाद में हम उसी टाइम पे देखा, थोड़ी सी टाइम बाद में देखा, तब भी उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आ थी, यानी हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो 0 आएगा। ऑटोमेटिकली से बात है एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि हमने पैडल था होता है, यदि आपको कोई साइकिल चला रही हो आप कॉन्स्टेंट स्पीड पे घुमा रहे हो तो स्पीड सेम है, कंडीशन तब जब आपकी एक फ्लैट रोड है, और यदि आप कार चला रहे हो और आपका एक्सेलरेशन उस टाइम भी इतना ही है, मतलब आपने फिक्स रेस दबा रखी है, तो मतलब आपका जो एक्सेलरेशन है वो 0 ही आना है। अब दोस्तों जो दूसरा मिसकंसेप्शन इससे रिलेटेड आता है वो ये है कि आप लगातार यदि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो आपकी स्पीड हमेशा पॉजिटिव, मतलब हमेशा बढ़ेगी, और यदि आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो आपकी स्पीड घटेगी। तो ये जो मिसकंसेप्शन है ये सही है, एक तरीके से सही है, लेकिन ये पूरा नहीं है। अब ये मिसकंसेप्शन इस खातिर है क्योंकि अपन ने जैसे बोला कि पॉजिटिव यदि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो हमेशा, यदि आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो हमेशा आपकी स्पीड नेगेटिव होगी। तो दोस्तों अब इसको समझने के लिए आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो आप एक यू टर्न ले रहे हो और यू टर्न के यू इनिशियल, यानी आप यू जहां से स्टार्ट कर रहे हो, टर्न लेना स्टार्ट कर रहे हो, उस पे स्पीड आपकी 30 किलोमीटर पर आवर थी। अब आप घूमकर जब लास्ट में यू खत्म हुआ आपका, तब आपकी स्पीड होगी 50 किलोमीटर पर आवर। अब अपन ने मान लिया कि जब वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे पॉजिटिव है, आप नेगेटिव भी ले सकते हो, लेकिन मैंने मान लिया कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो इसके उल्टी साइड क्या हो जाएगी? नेगेटिव डायरेक्शन। तो 30 और इस साइड माइनस 50, तो इस साइड 30 होगी आपकी वेलोसिटी और इस साइड होगी माइनस 50। अब आप यहां से एक्सेलरेशन निकालो, तो
एक्सेलरेशन क्या निकल के आता है, -50 -30 अपॉन टाइम। तो टाइम कुछ भी हो, यहाँ पे आपका जो एक्सेलरेशन आना है नेगेटिव है, लेकिन आप गाड़ी को ऑब्जर्व करो तो आपकी जो गाड़ी की स्पीड है वो 30 से 50 बढ़ चुकी है, यानी आपकी स्पीड बढ़ रही है बजाय घटने के, जबकि आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है। तो जो मिसकंसेप्शन बना हुआ है रिलेटेड टू एक्सेलरेशन, सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। आप इसको फिजिकल तौर पे भी समझ सकते हैं एक्सेलरेशन को, यदि आप एक्सेलरेशन महसूस करते हो डेली लाइफ में, यदि आप कार में बैठते हो, आप यदि 0 किलोमीटर पर आर की स्पीड पर हो और अचानक से आप रेस देते हो तो आप पीछे की साइड धकेलते हो, तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एक्सेलरेशन का। दूसरा एग्जाम्पल, तो यदि आप अचानक से ब्रेक लगाते हो तो आप आगे की साइड जाते हो, तो ये भी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एक्सेलरेशन का, क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है। यदि आप टर्न लेते हो तब भी आपकी स्पीड चेंज होती है, तो आप लेफ्ट की साइड घूमते हो, यदि आप राइट की साइड लेते हो तो आप राइट की साइड घूमते हो। मतलब जो एक्सेलरेशन होता है वो वेलोसिटी चेंज होने की वजह से आता है। जो एक्सेलरेशन है उससे रिलेटेड ये सबसे बड़े मिसकंसेप्शन थे, वो दो ये मिसकंसेप्शन थे। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई तो आप इसे जरूर लाइक एंड शेयर करें, साथ ही में आप इसको चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।